हाँ बेटा दुर्गेश, आप बोल रहे हो? बोलो, क्या बोल रहे थे? एनी टू नंबर्स जिनके बीच में साइन हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड उसकी कोई पावर हो। ओके ओके ठीक है। निशा, अच्छा आपका नाम भी निशा है, मुझे लगा मैं ही हूँ ये। जो एक्सप्रेशन टू टर्म्स से कंसिस्ट होती है, एक बच्चा आया है हमारे इसमें, शैतान बच्चा। बेटा आपने तो एक नंबर नाम चूज कर रखा है। ठीक है ठीक है। देखो दुर्गेश ने बताया कि एक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती हैं और कनेक्टेड होती हैं प्लस और नेगेटिव साइन से, एक छोटी सी गलती कर दी दुर्गेश ने, उसने पावर्स का भी बता दिया। बेसिकली मैं यहाँ बायनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है? एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों और दोनों की दोनों टर्म्स क्या हों, डिससिमिलर। सिमिलर नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए। जैसे 2x² + x, क्या ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है? यस या नो, इज दिस अ बायनोमियल एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है? निशा इज सेइंग यस मैम। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इज दिस अ बायनोमियल एक्सप्रेशन? दुर्गेश इज सेइंग यस। दुर्गेश बेटा फिर से देखो, मैंने आपको डेफिनेशन बोली थी, एक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो और दोनों की दोनों डिफरेंट टर्म्स हो। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 2x² + x² ऐड हो जाएगा ना, ऐड होके क्या हो जाएगा? ओके निशा मैं बता रही हूँ, देखो 2x² + x² क्या हो जाएगा ऐड होके, इसको हम ऐड कर सकते हैं ना? हाँ दुर्गेश, फर्स्ट इज बायनोमियल एक्सप्रेशन, यू आर राइट। सेकेंड वाले केस में क्या है, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, ऐड होके क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो एक ही टर्म बच गई। बायनोमियल के लिए मस्ट कंडीशन है कि आपके पास दो टर्म्स तो होनी ही चाहिए, इस वर्ड में ही छुपा हुआ है बाय, दैट मीन्स टू टर्म्स शुड बी देयर। ठीक है, इसका मतलब टर्म्स जो है डिफरेंट होनी चाहिए, एक प्लस या माइनस साइन से जुड़ी हुई हो। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हम ले लेते हैं, मान लो ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, प्लस या माइनस से जुड़ा हो, बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। ऑल राइट देखो, अब आप लोग ये बोलोगे मैम ये नया चैप्टर है, ये नया चैप्टर नहीं है, इससे रिलेटेड चीजें आप 9th 10th में पढ़ चुके हो, आपने ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, a+b की पावर 0, a+b की पावर 1, a+b की पावर 2, a+b की पावर 3, यहां तक तो आपको फॉर्मूले आते होंगे राइट, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हुई है ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आई थिंक 9th क्लास का चैप्टर है, उसमें यूज होती है। दुर्गेश इज सेइंग यस, साक्षी ने भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ यहां तक के फॉर्मूले आप बताना मुझे, ठीक है, फिर मैं आपको 4 वाला बताऊंगी। कुछ बच्चे तो होते हैं ना, 4 वाला भी याद कर लेते हैं, पर देखो मैं तो याद करती नहीं, 4 वाला मैंने आज तक नहीं किया। क्यूब तक फॉर्मूले मुझे याद है, आगे मैं बताऊंगी आपको लिखना कैसे है। पहले ये बताओ, व्हाट इज दिस, a+b रेज टू द पावर 0 को क्या लिख सकती हूँ मैं? a+b रेज टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 इज व्हाट? मैम ये रिपीटिंग क्वांटिटी से निकाल सकते हैं, हाँ रिपीटिंग से निकाल सकते हैं, पर आप कितने रिपीट करोगे? मान लो मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया a+b रेज टू द पावर 50, बताओ गौरव कर दोगे 50, निकाल दोगे 50? नहीं निकाल सकते ना, इसीलिए हमें बायनॉमियल एक्सपेंशन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि छोटी जब पावर्स देते हैं ना हमें, तो हम इजिली निकाल देते हैं, लेकिन कोई बड़ी पावर दे दे हमें तो हम बैठे रह जाएंगे वहां, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साक्षी ने 1 आंसर दिया है, निशा ने भी 1 आंसर दिया है। ठीक है बेटा, किसी की पावर 0 क्या होता है आपका, 1। ठीक है, व्हाट इज a+b रेज टू द पावर 1, फटाफट आंसर्स बता दो, सिंपल क्वेश्चंस ये है तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है।
ए प्लस बी रेज टू द पावर वन क्या लिखूं, ए प्लस बी, ओके गौरव ठीक है, ए प्लस बी, वॉट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साक्षी आपका भी ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हाँ दुर्गेश, दुर्गेश ने जो रिप्रेजेंटेशन दी है ना वो भी सही दी है, देखो निशा ने जो लिखा है, लिखा निशा ने भी ठीक है, लेकिन दुर्गेश ने अलग तरीके से लिखा है, और यूजुअली जो लिखा जाता है ना वो जो दुर्गेश ने लिखा है वैसे ही लिखा जाता है, देखो कैसे, निशा ने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, निशा बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, नो डाउट, लेकिन ये जो तरीका है लिखने का ये हमने ऐसे बुक्स में ऐसे नहीं मेंशन होता, बुक्स में ऐसे मेंशन होता है टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमने ना हमारे हमें जल्दी याद हो जाए इसलिए हमने ये इस तरीके से लिख दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जल्दी याद हो जाता है ऐसे, ये वाली फॉर्म को याद करना ना पसंद नहीं करता, ठीक है, तो यूजुअली जो तरीका होता है ना लिखने का एक्सपेंड करके जब हम लिखते हैं, तरीका क्या होता है, जब मैंने ए स्क्वायर लिखा है ना यहाँ पे ए की पावर टू है यहाँ पे, तो जो मैं नेक्स्ट टर्म लिखूंगी उसमें ग्रेजुअली डिक्रीज करूंगी ए की पावर, ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे पावर टू है ठीक है, इस वाले में यहाँ पे पावर जीरो होगी, ए की कोई पावर ही नहीं है और फिर मैंने एक पावर यहाँ दे दी, ऐसे नहीं लिखते, जो वेरिएबल्स की पावर्स होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, पहले ए की पावर टू है, नेक्स्ट में इसकी एक पावर कम का अगर कोई टर्म है तो वो लिख दो, जैसे जिसमें एक ए है, टू ए बी में एक ए है, उसके बाद अब ए हटा सकते हो, ए की तो पावर ही बने, इससे तो छोटी क्या ही पावर होगी, ए की बी स्क्वायर बच गया, ये तरीका समझ आया लिखने का ग्रेजुअल डिक्रीज करके, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अब इसी मैनर में मुझे ए प्लस बी का होल क्यूब बता दो, वो वाला मत बताना फॉर्मूला जो आपने किया हुआ है लर्न करने के तरीके से, आप ग्रेजुअल डिक्रीज वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना उस तरीके से बताना, निशा आप ऊपर टू लिख रहे हो ना, आप अगर नॉर्मल लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी, जैसे दुर्गेश ने लिखा था ना ए टू, आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगी, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है, भूल गए आप लोग, कोई बात नहीं, देखो बच्चे ए प्लस बी के होल क्यूब को कैसे लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, बच्चे इस तरीके से याद रखते हैं, गौरव ने लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, गौरव बेटा ठीक लिखा है बट जो मैंने आपको ग्रेजुअल वाला कॉन्सेप्ट बताया है उसमें गड़बड़ है, दुर्गेश ने ए क्यूब थ्री ए, हाँ दुर्गेश ने ठीक लिखा है बिल्कुल, वेरी गुड दुर्गेश, निशा ने लिखा है ए क्यूब बी क्यूब प्लस थ्री, निशा आपने भी ठीक लिखा है पर ग्रेजुअल वाला नहीं किया आपने, सॉरी मैम टाइपिंग, हाँ कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपने ग्रेजुअल वाला यूज नहीं किया, देखो ग्रेजुअल वाला कैसे होएगा, ए क्यूब लिखा आपने, अब आप इसमें से वो वाली टर्म चूज करो जिसमें थ्री से छोटी पावर ए की, पर ए उसमें है, थ्री ए स्क्वायर बी में है ना, ऐसे थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है, यहाँ पे थ्री से एक छोटी पावर है टू की, मतलब ए की टू पावर है, ठीक है, नेक्स्ट अब ए स्क्वायर से छोटी पावर देखो, ए की वन पावर वाला कोई है आपके पास टर्म, है थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर, लास्ट में तो आपका बच ही एक गया जिसमें ए की कोई पावर ही नहीं है, ठीक है, बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होता है आपका जब आप इनको खोल के लिखते हो, ये रिप्रेजेंटेशन समझ आया, एक बार मुझे ये बता दो क्या आप लोगों को ये रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया कि मैंने कैसे लिखे हैं ये टर्म्स, ओके गौरव का आया है यस, बाकी बच्चों को क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे ही पूछूंगी जब तक आप सारे करेक्ट में लिख देते, आ गया खुशी को भी आ गया, गौरव को भी आ गया, दुर्गेश आपको आ गया और निशा साक्षी को भी आ गया, दुर्गेश को, अच्छा चलो ठीक है सबको आ गया, अब आप मुझे ऐसे ही फोर का लिख के बता दो, फिर फोर का देखो फॉर्मूला आपको याद नहीं है मैं बताती हूँ, देखो अब हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, यही तो इसकी खास बात है, कैसे जब मैं ऊपर लिख रही थी ना, मान लो मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा था, ठीक है, तो मैंने क्या किया था, पहला एलिमेंट उठाया उसकी क्या कर दी, मैक्सिमम पावर कर दी, ठीक है, कोई भी हो, चार हो पावर, पांच हो, छह हो, आप पहला एलिमेंट उठाओ उसकी मैक्सिमम पावर कर दो, कर दोगे ठीक है,
अभी मैं ना ये कोएफिशिएंट्स नहीं बता रही आपको, ये वाले मत देखना, मैं सिर्फ ये वाली टर्म्स बता रही हूँ जो वेरिएबल वाली है ना, कि ये कैसे लिखी जाएंगी। आपने ए क्यूब लिख दिया, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? दुर्गेश ने, हाँ दुर्गेश ठीक है, आपका आपकी तो पूरी एक्सपेंशन ही ठीक है, चलो। पर अभी मैं कोफिशियंट आपको बता नहीं रही हूँ, मैं वैसे वेरिएबल लिखने का तरीका बता रही हूँ। ए क्यूब लिख दिया आपने, नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपकी? आप थ्री में से एक पावर कम कर दो ए की, कितनी हो जाएगी? टू, और एक पावर इसको दे दो बी को, जो आपका सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है? ओके, फिर नेक्स्ट टर्म कैसे लिखोगे आप? अब आप क्या करो, टू में से फिर एक पावर कम कर दो, लिख कर दिया एक पावर कम, और बी में एक पावर ऐड कर दो, ठीक है? अब लास्ट टर्म, अब ए की पावर वन है, इसमें से एक और पावर आप कम करोगे तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, फिर ये आ जाएगा आपका ए की पावर 0, ये तो आपका 1 ही हो जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या होगा? सिर्फ बी की पावर 3। ये वेरिएबल्स लिखने का तरीका समझ आया आपको? अभी मैंने कोएफिशिएंट्स नहीं बताए हैं, जो 3 3 लिखा हुआ ना, मैंने इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं दी है, अभी मैंने सिर्फ वेरिएबल्स लिखना बताए हैं। आप इस बेसिस पे मेरे को क्या ए प्लस बी की होल पावर 4 का वेरिएबल लिख के बता सकते हो? इसी तरीके से इसमें मैं कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, सेम यही पैटर्न यूज करके ए प्लस बी की होल पावर 4 आप मुझे बता सकते हो लिख के? अब तो आई थिंक आसान हो गया होगा, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके बता सकते हो? कोशिश तो करो लिखने की, गलत ही होएगा ज्यादा से ज्यादा, पर अगर गलत हुआ हुआ दिमाग में चिपक नहीं गया तो फिर उसका फायदा भी क्या है? देखो कोई नहीं, ए प्लस बी की होल पावर 4 में मैंने क्या कहा, पहला टर्म उठाओ उसकी मैक्सिमम पावर कर दो जो आपको गिवन है, 4 आपने कर दिया मैम। सेकेंड टर्म में एक पावर कम कर दो, एक पावर कम करा क्यूब हो गया, और बी की एक पावर ऐड कर दो यहाँ, ठीक है। थर्ड टर्म में फिर से एक पावर कम कर दो, गौरव का आंसर आया है a4 a³ b² b² ab³, हाँ गौरव ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब फिर क्या करो, ए की एक पावर कम करो स्क्वायर, बी में एक ऐड हो जाएगा, फिर से ए की एक पावर कम करो, बी में एक ऐड हो जाएगा, और फिर से ए की एक पावर कम करोगे तो 1 माइनस 1 तो 0 ही हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा अल्टीमेटली, बी की पावर 4। तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल गई कि बेसिकली इन एक्सपेंशन में फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, ये ग्रेजुअल डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का पैटर्न हमें दिख रहा है, हम कोई भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स तो आराम से लिख सकते हैं ना। साक्षी आपका भी ठीक है? साक्षी बेटा एक गलती कर रखी है आपने, चेक करो आप, देखो एक छोटी सी गलती कर रखी है आपने, जो सेकेंड टर्म आपने लिखी है उसमें ए क्यूब बी की पावर 1 आएगी, ठीक है, फिर जो थर्ड आएगी उसमें बी की 2 आएगी, ए की 2 आएगी, छोटी सी गलती है, इसको करेक्ट कर लेना। यहां तक मुझे बताओ वेरिएबल्स का तो आपको आ गया? ओके साक्षी, वेरिएबल्स आप लिख दोगे। अब आप, मैं पूछूंगी मैम, बच्चों आप ए प्लस बी की पावर 5 के वेरिएबल्स लिख सकते हो? चलो आप 5 छोड़ो, चलो 5 ही ले लो, और बढ़ा दोगे तो बहुत लंबा इक्वेशन हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, आप 5 ही लिख के दिखा दो मुझे, मैं समझ जाऊंगी आपको ये वाला जो है लिखना आ गया। कोएफिशिएंट्स मत लिखना, सिर्फ सिर्फ वेरिएबल्स लिख के दिखा दो मुझे कैसे लिखोगे। फटाफट से लिख दो, आप नहीं लिखोगे तो फिर मैं लिखूंगी, फटाफट लिख दो। ए प्लस बी की पावर 5 इनिशिएट करोगे, गौरव का आंसर आया ए की पावर 5 4 बी, हाँ ठीक है गौरव, आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया, मैंने मान लिया। दुर्गेश, साक्षी, निशा, आप लोग लिख पा रहे हो इसको? यस या नो बता दो मुझे, फिर मैं आगे चलती हूँ। देखो निशा का भी आ गया है आंसर,
निशा 5a4 कैसे कर दिया आपने बेटा? कोएफिशिएंट्स तो अनिशा गड़बड़ की है, वो मैं आगे बताऊंगी आपकी गड़बड़ क्या की है आपने। मोनिशा ने लिखा है a5, मैम वो 1 है। 1 मतलब समझी नहीं मैं। चलो a5 a4 b1, मोनिशा आपका ठीक है। देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखी, पावर चढ़ा दी जो आपकी मैक्सिमम दे रखी है, फर्स्ट टर्म लिख ली। सेकंड में एक पावर एक ही कम कर दो, बी की एक ऐड कर दो। थर्ड में एक पावर फिर से कम कर दो, एक ही बी की एक और ऐड कर दो। फोर्थ में एक पावर एक और कम कर दो, बी की एक और ऐड कर दो। ऐसे ये 1 हो जाएगा, b4, एक लास्ट आ जाएगी आपकी b5, राइट? ठीक है, ये चीजें तो हमने लिखनी सीख ली, ठीक है, ये आप लिख दोगे। अच्छा अब एक बात बताओ, जब ऊपर a प्लस बी की पावर 0 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस ए प्लस बी की पावर 0? निशा मैं 5 का लिखूंगी ना, आप मैच कर लेना एक बार, मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें, क्योंकि 5 का जब हम लिखते हैं ना उसमें कोएफिशिएंट एक 10 भी आता है, आपका तो है ही नहीं इसमें 10। थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं बता दूंगी आपको। मेरा क्वेश्चन का जवाब दो कि ए प्लस बी की पावर 0 में कितनी टर्म्स हैं जब हम इसको खोल के लिखते हैं, आप ये बता दो ये कितनी टर्म्स है। बेसिकली मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये कितनी टर्म्स है। खुशी ने बोला है 1, साक्षी ने बोला 1, हाँ 1 है, हमें दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। ये 1 है जब हमारे पास यहाँ पे पावर है 0। अच्छा ए प्लस बी की पावर 1 में कितनी टर्म्स है? टू, ठीक है, 1 2, ये 2 टर्म्स हैं जब हमारे पास यहाँ पावर कितनी है 1, ठीक है। जब हमारे पास पावर 2 थी तो यहाँ पे टर्म्स आई हैं 1 2 3। दुर्गेश 4 किसका आंसर दिया है आपने? साक्षी 3, ठीक है। तो आपको यहाँ भी एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, बेसिकली बायनोमियल में शुरू में तो पैटर्न का ही खेल है सारा। ए प्लस बी क्यू, दुर्गेश आंसर 3 ठीक दिया है आपने, इसका दिया होगा आई थिंक 3 आपने, ठीक है। देखो क्या कह रही थी मैं कि जब पावर 2 थी तो टर्म्स 3 आ रही थी, जब पावर 1 थी तो टर्म्स 2 आ रही थी, जब पावर 0 थी तो टर्म 1 आ रही थी। यहां से हम एक चीज रिजल्ट बता सकते हैं कि अगर ए प्लस बी की पावर एन है तो अगर मैं पूछूं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, एन प्लस 1 होंगी कि नहीं होंगी? हाँ दुर्गेश गौरव, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आपको वेरिएबल की पावर्स कैसे डिक्रीज और इंक्रीज करनी है आपको वो भी आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कोएफिशिएंट का फंडा समझने के लिए, ठीक है। देखो मैं यही वाले यहां लिख रही हूं, पहला 1 था ये एज इट इज मैंने लिख दिया, जब यहाँ पे ए था तो इसका कोएफिशिएंट आगे कितना है 1 है, तो 1 मैंने एज इट इज मैं कोएफिशिएंट लिख रही हूँ बेसिकली जो इन टर्म्स में आए हुए हैं। बी के साथ कोएफिशिएंट कितना है? फिर से 1 है। ए स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। और यहाँ पे सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। और थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट है आपका फिर से 1। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितने हैं? 1 3 3 1, ठीक है, 1 3 3 1। ये जो मैंने फॉर्मेशन किया है ना इसको बोलते हैं पास्कल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बेसिकली कोएफिशिएंट्स आपके निकालने के लिए ही यूज होता था पहले मैथमेटिक्स में, लेकिन ये एक लेंदी प्रोसेस है इसलिए इसको अब हम यूज नहीं करते, अब हम कॉम्बिनेशंस वाले जो फॉर्मूले है ना वो यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये हमारा टॉपिक है तो हमें पढ़ना है इसको। देखो इसमें आपको एक जनरलाइजेशन दिखेगी, जैसे 1 + 1 क्या हो रहा है आपका 2, ऐसे ही 1 + 2 क्या हो रहा है आपका 3, ऐसे ही 2 + 1 क्या हो रहा है आपका 3। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इसके कोएफिशिएंट्स निकालने हैं तो क्या आप यहाँ पे फिफ्थ टर्म फिफ्थ रो लिख सकते हो इसी तरीके से जैसे मैंने ऐड करके लिखे हुए हैं, क्या आप फिफ्थ रो लिख सकते हो यहाँ पे? गौरव बोल रहा है लिख सकते हैं, बाकी सब
निशा बोल रही है 1 4 4 4 1। थोड़ी सी गलती है निशा, थोड़ी सी। साक्षी बोल रही है इस, देखो देखो 1 1 1 1 तो सब में कॉमन है, ठीक है। 1 हमने यहाँ भी लिख दिया। अब ये दोनों ऐड करके 3 आ रहा था, ऐसे ही आप ऐड करो ये दोनों ऐड करके यहाँ पे। हाँ दुर्गेश ठीक है, गौरव ठीक है, 4 आएगा, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करोगे 6, इन दोनों को आपने ऐड किया 4, और एक 1 आपका लास्ट में, यहाँ भी कॉमन है तो आपने 1 लिख दिया। तो अब ये जो हमारे पास 1 4 6 4 1 निकल के आया है ना, ये वाला जो रो है, ये बेसिकली क्या है, जब हम इसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं a+b की पावर 4 की, तो जो टर्म्स आ रही हैं उनके कोएफिशिएंट्स हैं। कोई बात नहीं निशा, ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं। क्या मतलब क्या हुआ, इधर 1 इधर 4 इधर 6 इधर 4 इधर 1, ठीक है। समझ आया आपको मैंने कोएफिशिएंट्स कैसे लिखे। फिफ्थ रो के भी निकल जाएंगे ऐसे ही, कुछ नहीं करना, पहले 1 लिखो, फिर जो जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करो, ठीक है। ठीक है, आपने वेरिएबल लिख लिया, फिर आप कोफिशिएंट लिख दोगे तो आपकी एक्सपेंशन बेसिकली खुल जाएगी, ठीक है। आप लिख दोगे उसको कि खोल के होता क्या है एक्चुअली, लेकिन ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। मान लो मैंने आपको 10th पावर का पूछ लिया, तो उसके लिए क्या आप पहले 9 रोज बनाओगे और फिर आप ऐड करके 10th रो लिखोगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया, एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया NCR, ठीक है। एनसीआर समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं छोटा सा, जिसको आप बोलते हो फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 का फैक्टोरियल बताओ, कोई बच्चा मुझे बता सकता है 3 का फैक्टोरियल क्या होता है। 6, दुर्गेश ने ठीक आंसर दिया है। देखो फैक्टोरियल क्या होता है, गौरव बिल्कुल ठीक है, निशा का भी ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ ना, अगर मैं एन फैक्टोरियल पूछ रही हूँ ना किसी से, तो मैं क्या पूछ रही हूँ उससे, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब मैं 3 फैक्टोरियल लिख रही हूँ ना, तो 1 से स्टार्ट हो जाओ और 3 पे आके रुक जाना, 3 2 1, ये होता है 3 फैक्टोरियल। अगर मैं 6 फैक्टोरियल पूछ रही हूँ, तो 1 से स्टार्ट हो जाओ, बीच के जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे आप लिख दो, ऑल राइट। हाँ निशा बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये होता है फैक्टोरियल। इसकी रिप्रेजेंटेशन वैसे यूजुअली यही यूज करते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल में प्रॉपर्टीज होती है कुछ, अभी बताती हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहले मुझे ये बताओ 0 फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल। साक्षी ने आंसर दिया है 1, और कोई जो साक्षी के फेवर में हो। निशा ने भी आंसर 1 दिया है, खुशी ने भी आंसर 1 दिया है, दुर्गेश ने भी आंसर, राइट। आप सब लोगों का आंसर ठीक है, 0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। एक आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n(n-1)। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आई कहाँ से है, तो गौरव बेटा उसकी जरूरत नहीं है, 0 फैक्टोरियल बाय कन्वेंशन आप मान के चलो कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं, पर नेचुरल नंबर्स आपके 1 तक होते हैं, 1 से छोटा हो गया 0 है ना, तो वो वैसे तो नेचुरल नंबर में काउंट होता ही नहीं, तो कोई केस बनता ही नहीं, तो हम उसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, ऑल राइट। आप मुझे ये बताओ, ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, ये मैं बताऊं आई कैसे है या आप लोगों को पता है। चलो मैं बता देती हूँ, मान लो मैंने 4 फैक्टोरियल लिखा है, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया 3 × 2 × 1 को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, 4 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 − 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 को 4 − 1 से रिप्लेस कर दिया मैंने। अब ये क्या हो गया, 4 को मान लो एन फैक्टोरियल था, तो ये क्या हो गया, n × n−1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है जब हम फैक्टोरियल के क्वेश्चन यूज सॉल्व करते हैं ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। ठीक है सबको समझ आ गया, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि एनसीआर होता क्या है। देखो
एनसीआर क्या होता है? हमें कोई एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और हमें बोला जाए कि आपको आर एट अ टाइम सेलेक्ट करना है, आर एट अ टाइम सेलेक्ट करना है, मतलब क्या हुआ कि आर चीजें सेलेक्ट करनी है, एन आपको दे रखी है, क्वेश्चन आपसे करेंगे कि नंबर ऑफ वेज बताओ, कितने वेज में आप ये कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एनसीआर का ये मतलब होता है। ऑल राइट, जब एनसीआर का हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। आप लोगों का बाइनोमियल ना कॉम्बिनेशन हो गया क्या? चैप्टर हो चुका है इसका मतलब, ये सब चीजें तो आपको आती होंगी, फिर भी चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करूं या फिर आगे चल पड़ूं अगर आपको कॉम्बिनेशन आता है तो? क्योंकि इसमें मुझे यही बताना था, कुछ एक प्रॉपर्टीज बतानी थी। आगे चलो दुर्गेश, चलो बस एक एक तो छोटी चीज कर लो, जैसे NC0 की वैल्यू, NC1 की, NCN की, और एक फॉर्मूला होता है आपका NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, इन तीनों की वैल्यू बता दो मुझे, और ये तो आपका एक प्रॉपर्टी है। गौरव बोल रहा है प्लीज एक्सप्लेन। ओके गौरव, ठीक है ठीक है, अभी करती हूँ। पहले आप मुझे ये वाली तीन प्रॉपर्टीज बता दो गौरव, अभी करती हूँ इसके बाद। दुर्गेश, साक्षी आपके क्लास में हो गया तो मुझे बताओ, NC0 की वैल्यू 1 दे रहे हो दुर्गेश? ठीक है, NC1 की n, ऑल राइट, और NCN की? साक्षी रावत, आपने n फैक्टोरियल किसका लिखा है? n फैक्टोरियल नहीं आएगा अगर आप सेकेंड का लिख रहे हो, तो खाली n आएगा। NCN की वैल्यू फिर फर्दर 1। ठीक है, ये तीनों आपकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम जब बाइनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हम बैठते नहीं है सोच के भाई हम फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे। और एक आपकी प्रॉपर्टी है ये NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर। देखो गौरव, NCR को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो तीन बंदे हैं यहाँ पे, एक है दुर्गेश, एक है निशा, और एक आपका ही ले लेते हैं गौरव। एन की वैल्यू 3 ली है मैंने, मतलब तीन पर्सन मैंने यहाँ कंसिडर किए हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बोल रही हूँ तरीके बताओ कि हम दो बंदों को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या आप दिमाग लगा सकते हो उसमें कि दो दो बंदे हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, किस किस को ले सकते हैं? आप दुर्गेश निशा को साथ ले सकते हो। हाँ साक्षी, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, मैं वो फॉर्मूला समझा रही हूँ उनको कि सेम ही आंसर आएगा उसे, गौरव को समझा रही हूँ। दुर्गेश और निशा को साथ ले लिया, मान लो मैंने दुर्गेश और निशा दो बच्चे मैंने ये सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, मैंने सोचा चलो वो नहीं तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, निशा और गौरव। ऑल राइट, ये भी नहीं तो एक तीसरा केस बनता है आपका, दुर्गेश और गौरव। ठीक है गौरव, यही केसेस बनते हैं दो पर्सन को सिलेक्शन के, इसके अलावा तो कोई तरीका है ही नहीं ना यहाँ पे जो हम दो बंदों को सिलेक्ट कर सकें। चैट बॉक्स में यस या नो लिख दो। ठीक है, तो ये कितने वेज हो गए? ये वेज हो गए आपके, एक तो ये हो गया तरीका दो बंदों को सिलेक्ट करने का, एक ये वाला हो गया और एक हो गया ये वाला, बेसिकली तीन तरीके हो गए ना। ठीक है ठीक है, यहां से आपका 3 वेज आ गया। ऑल राइट, अब देखो उस फॉर्मूले में, फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं यहाँ पे इसी केस में कैसे होएगा आपका यूज। उस फॉर्मूले में एनसीआर में यहाँ पे मैंने तीन पर्सन कंसिडर किए, इसका मतलब एन की वैल्यू मैंने क्या ली है? 3। ठीक है, और आर मैंने क्या बोला है कि आपको दो बंदे सेलेक्ट करने हैं, आर मैंने बोला था जो सिलेक्शन कितने हमें सेलेक्ट करने हैं वो वैल्यू हमारी आर होती है, तो यहाँ पे हमें दो सेलेक्ट करने हैं, तो बेसिकली ये लिखना हमें आ गया 3C2। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो इसको कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ऊपर n फैक्टोरियल है, बेसिकली n यहाँ पे 3 है, 3 फैक्टोरियल, नीचे आपका n माइनस आर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल ओपन कर लिया, नीचे आपका आ गया 1 फैक्टोरियल into 2, आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका ओवरऑल आंसर क्या होगा? 3। सेम है ना आंसर? सेम है। कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसे
सिलेक्शंस करते हैं ना, ये तो मैंने 3 पर्संस लिए, मान लो मैं बहुत आदमी ले लूँ, बहुत बड़ा नंबर ले लूँ, तो आप ऐसे पेयर्स बनाने तो नहीं बैठोगे ना कि दुर्गेश का निशा के साथ बना दिया, निशा का गौरव के साथ बना दिया। इस फॉर्मूले को यूज करके आपका चुटकियों में आंसर निकल जाएगा, ठीक है गौरव? ऑपरेटर का मतलब समझ आया? ठीक है, आपको ऑपरेटर का मतलब आ गया समझ, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जब हम एनसीआर लेते हैं तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है ना, वो तो आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, 1 to infinity, ठीक है। क्वेश्चन में क्या देगा भाई, आप कितने बंदे हैं, कितने भी बंदे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं कह सकता ना -1 बंदे हैं, नहीं कह सकता, नेचुरल नंबर्स में से ही हमें कंसिडर करना है। और जब हमें कोई पर्सन देगा ही नहीं, मतलब 0 पर्सन दे दिए, तो हम सेलेक्ट क्या करेंगे उसमें से? इसका मतलब जो हमें एन लेना है वो हमें किस में से लेना है, नेचुरल नंबर्स में से, ठीक है। लेकिन जो आर है वो हम होल नंबर्स में से ले सकते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। 0 कंसिडर क्यों कर सकते हैं? मान लो मैंने एन की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, मैंने क्या कहा है कि 4 पर्सन बैठे हैं और उसमें से आपको तरीके बताओ कि एक भी बंदा हमें सिलेक्ट नहीं करना हो, तो यहाँ पे 0 वाला केस आ गया ना। इसलिए मैंने कहा कि आर की वैल्यू आप डब्ल्यू में से ले सकते हो। और एक और है कि एन की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि अगर पर्सन आपको 4 दे रखे हैं तो मैक्सिमम 4 ही सिलेक्ट कर सकते हो आप। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 में से कोई आपको कह दे कि आप मुझे 5 बंदे सिलेक्ट करके दो, नहीं हो सकता ना। ये 3 चीजें समझ आई? ठीक है, ओके, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल में आपको कॉम्बिनेशंस लिखने सिखाती हूँ। आपको कॉम्बिनेशंस लिखने आगे, देखो फर्स्ट स्लाइड में ना जो मैंने आपको समझाया यही का यही मेंशन कर रखा है सारा। अब ये सी वाले मत देखना, ये मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। ये जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट मैंने आपको सारा समझा दिया है, ठीक है। देखो अब आते हैं पास्कल्स ट्रायंगल पे। ये पास्कल्स ट्रायंगल था, हमने बनाया था 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई ऐसा तरीका निकाल लिया कि हमें ना ये 1 1 1 1 2 1 कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में लिखना आ जाए। इन्होंने क्या किया, जो ऊपर वाला 1 था ना, इसको 0 से 0 लिख लिया। एक बात देखो, ये जो एन सी आर है ना, इसमें जो ये ऊपर वाला एन है, ये इन्होंने किस तरीके से ले रखा है, ये था आपका a+b की पावर 0, ये है आपका a+b की, ये बेसिकली जो 0 1 2 है ये पावर्स है आपकी 1, ये था आपका a+b की पावर 2, a+b की पावर 3, a+b की पावर, यहीं तक कर लेते हैं, यहाँ समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। जब पावर 0 थी तो हमने n की वैल्यू क्या ली, 0। जब पावर 1 थी तो हमने n की वैल्यू क्या ली, 1 1। जब पावर 2 थी तो हमने n की वैल्यू क्या ली, 2 2 2। एक बात समझ आ रही है यहाँ से कि जो हमारी n की वैल्यू है, सॉरी जो हमारी पावर गिवन है, हमें n की वैल्यू वही लेनी है। यहां तक समझ आ गया आपको? एन की वैल्यू क्लियर है आपको कैसे लेनी है? ठीक है साक्षी, ठीक है। अब नीचे देखो, ऊपर का क्लियर हो गया, अब आते हैं आर की वैल्यू पे। आर की वैल्यू क्या किया इन्होंने, यहाँ पे तो एक ही टर्म थी, इन्होंने 0 ले लिया, हमेशा 0 से स्टार्ट। गौरव बोल रहा है प्लीज रिपीट। देखो गौरव, कोई नहीं कर देते हैं, कौन सा कलर ले, रेड ही ले लेते हैं। मैंने क्या कहा आपको, एनसीआर लिखना है हमें, ऑलराइट। यहाँ पे हमें एन क्या लिखना है, हमें ये देखना है, एक पैटर्न देखो आप। जब 0 था, यहाँ 0 का मतलब है a+b की पावर 0 की एक्सपेंशन है, ठीक है। जब हम a+b की पावर 0 लिख रहे थे तो हम 1 लिख रहे थे ना पीछे, देखो लिखा है मैंने साफ कर दिया क्या वो, कोई नहीं छोड़ो। a+b की पावर 0 हम 1 लिख रहे थे ना, वही 1 लिखा हुआ है हमने। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो इसकी पावर है, आपको यहाँ जो n की वैल्यू लेनी है वो पावर ही लेनी है। साक्षी आपको आ गया, मैं गौरव को बता रही हूँ, थोड़ा सा उसको डाउट होगा। जो यहाँ पावर है वही हमें n की वैल्यू लेनी है। अब मान लो यहाँ a+b की पावर 1 है, तो ये ही हमने वैल्यू ले रखी है n की दोनों केसेस में, ठीक है। यहाँ आपकी a+b की पावर 2 है, तो यही हमने वैल्यू ले रखी है n की, देखो ऊपर में सब में 2 है। गौरव समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपको जो पावर गिवन है वही आपकी एन की वैल्यू है, और वो आपको सेम रखनी है हर जो आप लिख रहे हो ना एनसीआर एनसीआर, उसमें एन की वैल्यू हर में सेम रखनी है, जो आपकी पावर गिवन है उसके इक्वल,
ठीक है गौरव, चलो ये हमें एन की वैल्यू क्लियर होगी। इसके बाद देखो नीचे वाले पे चलते हैं। नीचे वाले पे क्या करना है, बिना सोचे समझे जीरो से स्टार्ट करो। यहाँ पे तो टर्म ही एक थी तो जीरो लिख दिया, यहाँ पे टर्म दो है जीरो वन, काउंटिंग चला दो। यहाँ पे तीन है जीरो वन टू, यहाँ पे चार है जीरो वन टू थ्री, ठीक है काउंटिंग चलानी है। ठीक है ये मैं आपको ना एक पैटर्न बता रही हूँ, अगर आप वैसे सॉल्व करोगे ना तो जीरो से जीरो की वैल्यू आपकी वन ही आती है, पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वन यहाँ भी लिखा हुआ है और वन यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इन्होंने ऊपर वालों में जीरो सी जीरो क्यों लिखा है और नीचे वालों में वन सी जीरो क्यों लिखा है, नीचे वालों में भी जीरो सी जीरो लिख देते अगर वन है तो। आपको पावर देखनी है, अगर आपकी पावर जीरो है तो आपको एन की वैल्यू जीरो लेनी है, पावर वन है तो एन की वैल्यू वन लेनी है, और एन की वैल्यू हर सी में आपकी सेम रहेगी। और नीचे वाले इंडेसेस के लिए आपको क्या करना है, आर की वैल्यू के लिए ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओ जीरो से स्टार्ट करके। ठीक है ये समझ आया, मैंने आपको कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर दिए नंबर्स, साक्षी को समझ आ गया? गौरव आपको समझ आ गया नीचे वाला? ठीक है दुर्गेश को तो आ गया था। ठीक है अब क्या आप एक्सपेंशन लिख सकते हो, ये हमने कोफिशियंट ही लिखे हैं बेसिकली, अब क्या आप एक्सपेंशन लिख सकते हो? मान लो मैं ए प्लस बी की ही लिखती हूँ, ए प्लस बी की पावर फाइव का ही लिख लेते हैं, इनकी हेल्प से लिखेंगे इस बार। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा था, वेरिएबल उठाओ, क्या करो ए को उठाओगे, फाइव लिख दिया। सेकेंड टर्म में आप क्या करोगे, ए की पावर फोर, एक बी ऐड कर दिया। थर्ड टर्म में आप क्या करोगे, ए की पावर थ्री, एक और बी ऐड कर दिया। फोर्थ में आप क्या करोगे, ए की पावर टू, एक और बी ऐड कर दिया। फिफ्थ में आप क्या करोगे, ए की पावर वन, एक और बी ऐड कर दिया। और सिक्स में आप क्या करोगे, एक ए तो जीरो हो जाएगा ना, बी की पावर फाइव। ये हमने लिख लिए वेरिएबल्स। ठीक है अब बात आती है आपकी एनसीआर लिखने की, कोएफिशिएंट्स लिखने की, जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया। तो मैंने आपको क्या कहा था, एनसीआर लिखना है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लूंगा, एन की वैल्यू क्या लूं, साक्षी सिंह फाइव लेनी है मैम, गौरव एन की वैल्यू क्या लूं, यहाँ पे जब पावर जीरो थी मैंने एन, हाँ ठीक है फाइव लेंगे। इसका मतलब यहाँ जो मैं एनसीआर लिखूंगी उसमें एन तो मुझे पता चल गया फाइव है, और नीचे क्या लिखूं आर की वैल्यू, मैंने आपको क्या कहा था हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है तो जीरो लिख दिया यहाँ पे, फाइव सी जीरो। नेक्स्ट में अब तो आप गाड़ी चला ही दोगे, फाइव ऊपर वाला एन तो हमें सेम रखना है, फाइव सी नीचे वाला एक बढ़ा दो वन, इसमें फाइव सी टू, इसमें फाइव सी थ्री, इसमें फाइव सी फोर और इसमें फाइव सी फाइव। ऑल राइट अब आप एक चीज ध्यान देना कि जब आप ये लास्ट वाला कोएफिशिएंट लिखोगे ना इसमें एन और आर की वैल्यू आपकी हमेशा सेम होगी। ठीक है फाइव सी जीरो से शुरू किया है, एन हमें हमने फाइव ही रखा है, नीचे वाले कोएफिशिएंट आर की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है एक्सपेंशन लिखनी आ गई, एक्सपेंशन लिख दोगे क्या आप लोग, अगर मैं आपसे ये पूछूं ए प्लस बी की पावर सिक्स की एक्सपेंशन लिखो चैट बॉक्स में लिख दोगे? सेम इसी पैटर्न से चैट बॉक्स में लिख दोगे या थोड़ा हैक वो हो जाएगा, मुश्किल होएगा? मुश्किल होता हो तो आप लिख के देख लेना, आगे चलती हूँ फिर मैं। अगर आप लिख पा रहे हो तो वेल एंड गुड, मुझे बताओ। किसने लिखा है, गौरव ने लिखा है वन सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व सिक्स। गौरव ऐसे नहीं बोला था मैंने बेटा, आप उसकी फॉर्म में लिखते ना, ऐसे वाले फॉर्म में बोला था मैंने आपको, सिक्स सी जीरो ए रेज टू द पावर सिक्स प्लस सिक्स सी वन ए रेज टू द पावर फाइव बी वन। ठीक है आप लिख लोगे, मतलब मैं मान के चलती हूँ आप लिख लोगे। ठीक है देखो अब नेक्स्ट स्लाइड पे,
ये चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, एक बार मैं वैसे बता देती हूँ कि लिखा क्या क्या हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी रेज टू द पावर एन इज एन प्लस वन, फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया था। द सम ऑफ द इंडेसेस ऑफ ए एंड बी इन ईच टर्म इज एन, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो जब हम a प्लस बी का मान लो क्यूब क्यूब लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसकी मैंने एक्सपेंशन क्या की थी, सिर्फ वेरिएबल टर्म्स लिख रही हूँ फिलहाल, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर बी क्यूब, ये एक्सपेंशन की थी ना मैंने। अब उस लाइन का मतलब क्या है कि आप ये पावर्स देखोगे ना यहाँ पे, इसकी ये दोनों ऐड करोगे थ्री, इसकी वन पावर दोनों ऐड करोगे थ्री, और ये ऑलरेडी थ्री है, तो बेसिकली ये सारी पावर्स किसके इक्वल है, यहाँ जो हमें पावर दी हुई है उसके इक्वल है, ठीक है, उस लाइन का ये मतलब है, समझ गए इस लाइन का मतलब। ये देखो सम ऑफ द इंडेसेस ऑफ ए एंड बी इन ईच टर्म इज एन, ठीक है। थर्ड जो है आपका द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट, ओके ठीक है, ठीक है निशा, ठीक है गौरव, द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल, दीज कोएफिशिएंट्स आर नोन एज द बायनोमियल कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, एक मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, इसको इन्होंने वर्ड की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब है आगे से अगर आप थर्ड टर्म देखोगे और जब पीछे से आप थर्ड टर्म देखोगे, बेसिकली इनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑलराइट। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, द वैल्यूज ऑफ द बायनोमियल कोएफिशिएंट स्टेडीली इंक्रीज टू अ मैक्सिमम एंड स्टेडीली डिक्रीज। देखो ये तो आपको पास्कल ट्रायंगल से ही पता चल जाएगा कि क्या है, पहले तो जो है वैल्यूज जो है कोएफिशिएंट की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 1331। नीचे वाले में देख लो, पहले इंक्रीज हो रही है 146, फिर डिक्रीज हो रही है 41, ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया आपको, वन लाइनर्स, सारे पॉइंट समझ आ गए मुझे, यस लिख दो, ओके गौरव। दुर्गेश कहाँ चले गई बच्ची, साक्षी, निशा, बेटा एक बार सब लोग यस कर दो आप, ताकि मैं अब क्वेश्चंस आएंगे आपके, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्सपेंशन हमने सीख लिया है, ओके दुर्गेश, ठीक है निशा, देखो क्वेश्चन करते हैं हम, एक्सपेंशन मैंने आपको बता दी है। अच्छा इससे पहले आप एक चीज और देखो, अभी मैंने क्या डिस्कस किया आपके साथ कि a प्लस बी की पावर n हम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने ये डिस्कस किया, मान लो कोई आपसे पूछ ले a माइनस बी की पावर n कैसे लिखोगे, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, आप क्या करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट अंदर ले लिया, माइनस बाहर प्लस लगा दिया, बेसिकली ये वाली चीज सेम है, तो आपको क्या करना है, जब आपको माइनस वाला एक्सपेंड करना है ना, तो आप b की जगह माइनस बी से रिप्लेस कर दो, आपकी वो वाली एक्सपेंशन आ जाएगी, ठीक है, ये चीज समझ आती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है, x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब हम माइनस वाला सॉल्व करेंगे ना, तो हमारी जो टर्म्स आएंगी वो आए तो इसके इक्वलीगी, बस हमारा जो साइन का डिफरेंस है वो वहां पे आएगा। साइन का डिफरेंस कैसे आएगा, जब हम इसको सॉल्व इसके एक्सपेंशन लिखेंगे माइनस ए की पावर एन, तो जब हम सेकेंड टर्म माइनस ए लिख रहे हैं, गौरव टू इंटू एन, एन मतलब समझ नहीं आया बेटा, देखो मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, माइनस ए जब हम लिखेंगे, देखो मैं लिख के बताती हूँ, मान लो आपको ये है इसकी एक्सपेंशन करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एन सी जीरो एक्स की पावर एन, ऑलराइट, सेकेंड टर्म आप क्या लिखोगे, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस ए की पावर वन, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि माइनस ए की पावर वन है, ओड पावर है, अच्छा टू रेज टू द पावर एन, नहीं बेटा टू रेज टू द पावर एन, देखो मैं फॉर्मूला बताऊंगी आपको क्या होता है इसका, माइनस ए की पावर वन बेसिकली क्या मतलब है इस चीज का, कि एक माइनस साइन आगे आ जाएगा, ये यहां से हटा के आप इसको मान लो यहां लिख दो, x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे थे ना, ये टर्म उसमें भी आ रही थी, पर वहां पे ये पॉजिटिव के साथ आ रही थी, देखो x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन
एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तो कोई नेगेटिव साइन आएगा ही नहीं आपका, इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव है और ये टर्म नेगेटिव है दोनों इक्वल, बस साइन का फर्क है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये चीज समझ आ रही है आपको कि मैंने ये कैंसिल कैसे किया है? ये सबको समझ आ गया? ओके ठीक है। तो देखो आप क्या देख रहे हो कि जो ओड पावर्स वाले हैं ना वो वाले कैंसिल आउट हो रहे हैं, इवन पावर वाले कैंसिल आउट नहीं होंगे, है ना? तो जब मैं इसका एक फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं, एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन, तो इसका एक फॉर्मूला मैं क्या लिख सकती हूँ, आप ओड पावर्स को तो हटा दो, ठीक है, जो इवन पावर्स बची एक इसमें बचेगी एक इसमें बचेगी, दोनों सेम होंगी विद पॉजिटिव साइन, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या आएगा, हर टर्म के आगे टू 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 आएगा, तो टू हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन लेके हमने क्या लिख दिया, एन सी जीरो एक्स रेज टू द पावर एन प्लस एन सी जीरो, सॉरी इवन टर्म्स लेनी है हमें, बस आपको ये याद रखना है जब हम ऐड कर रहे हैं ना तो आपकी ऑड पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, आपको इवन टर्म्स लेनी है, एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू। समझ आ रहा है आपको? इवन पावर्स गौरव हो सकता है क्या? यस मैम, टू एक्स रेस टू एक्स की पावर एन। बेटा किसका आंसर लिखा है आपने? ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको समझ आ रहा है? ये बेसिकली मैंने क्या किया है, ऑड पावर्स को तो हटा दिया क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव आ रहा था एक के साथ नेगेटिव आ रहा था, कैंसिल आउट होगी, बची इवन पावर्स। इवन पावर्स आपकी इसमें भी थी मैम, इसमें कंफ्यूजन है, किस में बेटा, जो मैंने लिखा है इसमें एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन, ये वाला कह रहे हो? ओके देखो चलो थोड़ा एक्सपेंड ही करना पड़ेगा मुझे, एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन, ठीक है, चार चार टर्म्स लिख लेते हैं, इसकी चार टर्म लिखते हैं, एन सी जीरो एक्स रेस टू द पावर एन, ए की ए तो आएगा ही नहीं, जीरो है, एन प्लस एन सी वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस टू ए की पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स रेस टू द पावर एन माइनस थ्री ए की पावर थ्री, ठीक है। ये वाला मैंने मान लो मैंने चार कितने लिए, मैंने एक दो तीन चार चार टर्म्स लिए मैंने, ठीक है, मैं चार चार का एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है, इसकी खोली है मैंने ये। अब मैं अगर इसकी खोलना चाहूँ तो क्या आएगा आपका, एन सी जीरो एक्स की पावर एन, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस माइनस ए की पावर एन, ये लिख सकती हूँ ना? तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, पर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए की पावर वन, ऑल राइट। थर्ड टर्म आपकी क्या हो जाएगी, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस ए की पावर होल स्क्वायर, ये समझ आ गया, यहाँ टू था तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री माइनस ए की पावर होल क्यूब, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ, यहाँ पे तो सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेकंड वाले में क्या है, देखो ये वन था तो माइनस है अंदर, तो ये ऑड पावर है, तो बेसिकली ये बाहर आके क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, बाहर लिख देती हूँ इस माइनस को, यहाँ माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। गौरव ये समझ आ रहा है? ठीक है, देखो एक तो इसमें माइनस आ गया, ऑल राइट, ये तो स्क्वायर है तो बेसिकली स्क्वायर का तो माइनस हटा ही देगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, क्यूब है, क्यूब क्या है, ऑड पावर है, तो माइनस आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर से हटा दो इसको, बाहर लिख दो, लिख दिया आपने बाहर माइनस। हाँ मैं यही बताना चाह रही थी, अब देखो आप ये जो ओड पावर्स वाले थे ना, ओड पावर्स वाले ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, यहां से ये, यहां से ये,
ठीक है, कैंसिल हो गए। अब आपको क्या दिख रहा है, जो इवन पावर वाले हैं ना, वो यहाँ भी हैं और वो दूसरे वाले एक्सपेंशन में भी है, तो बेसिकली टू टू टाइम्स हो जाएंगे सारे। ये वाला भी आपका टू टाइम्स हो जाएगा, राइट। इसीलिए मैंने कहा था कि टू टाइम्स तो हो ही जाएंगे। आप टू कॉमन ले लो और अंदर आप क्या कर दो, सिर्फ इवन पावर वाले लिख दो। एन सी जीरो एक्स के पावर एन प्लस एन सी टू एक्स के पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर प्लस एन सी फोर आएगी नेक्स्ट टर्म। यहां से देख लिया करो, 0, 2, 4, ये इवन टर्म्स है, तो ऐसे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। बेसिकली ये इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है। हाँ निशा, फॉर्मूला लगा के चलो, मतलब आप ऐसे खोल के मत देखना वहां पे कि मैम इसकी ये टर्म्स है, इसकी ये कैंसिल हो जाएंगी। आप डायरेक्ट ये अप्लाई करना, जब आपके पास ऐसा आए कि बीच में एक प्लस साइन लगा हुआ है और एक्स प्लस ए की पावर एन और एक्स माइनस ए की पावर एन की फॉर्म में आपको कुछ दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना उसमें। ठीक है निशा, ओके ठीक है। देखो एक्स प्लस ए पॉजिटिव साइन के साथ हमने डील कर लिया। अब अगर मैं पूछूं एक्स प्लस ए की पावर एन माइनस एक्स माइनस ए की पावर एन, इसका फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होएगा। पीछे हमने प्लस के साथ डील किया था, यहाँ पे माइनस है, तो दिमाग में कुछ ऐसा चलाओ कि माइनस आगे आ गया, इसका मतलब पिछली बार जहां माइनस आ रही थी वहां पे इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके चीजें प्लस हो जाएंगी, और जहां प्लस आ रही थी वहां पे माइनस हो जाएंगी, तो इस बार कैंसिल कौन सी टर्म्स होंगी। पिछली बार ओड पावर वाली कैंसिल हो रही थी, मैं क्या कह रही हूं, एक माइनस और लगा दिया आपने बाहर, तो वो हाँ इवन पार्स। इस बार क्या है, इवन, बिल्कुल ठीक है निशा, इवन पार्स कैंसिल होंगे। गौरव का कोई कॉन्सेप्ट समझ आया। अरे मैंने वो ना साफ कर दिया, उसी में समझा देती मैं आपको। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया गौरव, या मैं लिख के बताऊं। गौरव बेटा कहाँ चले गए, इवन वाला ना माइनस वाला लिख के दिखाऊं। ओके ठीक है, मैं मान के चलूं कि आपको ये आ गया। इसमें आप क्या लिख दोगे, टू तो बाहर लिखोगे, अंदर क्या करोगे, इस बार आप क्या करो और टर्म्स लिख दो बस। ठीक है, इस तरीके से वन वाली लिखी आपने, फिर एनसी थ्री वाली लिख देना, फिर एनसी फाइव वाली लिख देना, इस तरीके से। ये फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, दो चीज होगी आपकी। ये चीज याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज हो जाता है ये। बेशक अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लो, क्योंकि इसमें स्लाइड में नहीं है, मैं अलग से लिख देती हूँ। देखो नोट कर लो इसको, एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस अप टू, इस तरीके से। या फिर आप ऐसे लिख लो इसको, टू इंटू इवन टर्म्स, इस तरीके से याद रखना मैम, जब कुछ ऐसा लगाना है ना। हाँ जी बिल्कुल लगाना है निशा, इस क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से पूछेंगे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है, फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देना। ठीक है, आप ही नोट कर लो एक बार, ये बस ऐसे याद रखना कि इवन टर्म्स आपको लेनी है यहाँ पे, मतलब जिसकी आर नीचे 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आ रहा है ना, वो वाली टर्म्स लेनी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे एक्स प्लस ए की पावर एन माइनस एक्स माइनस ए की पावर एन, तो क्या करो, ट्वाइस करके अब अंदर क्या लिख दो, ऑड टर्म्स, मतलब जिसकी आर ओड है। ओड मतलब वन से स्टार्ट होता है, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर थ्री अप टू 100। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, एन इंटू में ऑड टर्म्स का सम। टू इंटू इवन टर्म्स मत लिखो यहाँ पे, क्या लिखो, इवन टर्म्स का सम, क्योंकि बेसिकली इवन टर्म्स का सम कर रहे हैं ना हम, यहाँ सम लिख लो। ऐसे यहाँ पे आप क्या करो, ऑड टर्म्स का सम लिख लो। ये फॉर्मूले नोट हो गए तो मुझे बता दो, मैं आगे बताती हूँ। दो फॉर्मूले हो रहे हैं आपके, ओके गौरव, निशा लिख लिया आपने। साक्षी बेटा आप कहाँ चले गए, ओके निशा ठीक है, ठीक है। देखो ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। अब मान लो मेरा क्वेश्चन है जो आपसे, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ कि एक्स प्लस ए की पावर एन माइनस एक्स
माइनस ए की पावर एन। मैंने क्या पूछा है आपसे कि इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन। ये मैं नंबर ऑफ टर्म्स का पूछ रही हूँ व्हेन एन इज ऑड, मतलब जो ये पावर दे रखी है ये क्या हो आपकी, ऑड हो, उस केस में पूछ रही हूँ। ये अलग अलग है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। ये एन है जो कि मैं क्या कह रही हूँ कि ऑड है, ठीक है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये कि आपको ये दे देंगे, मान लो एक्स की जगह कुछ भी, मान लो ऐसे दे दें एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री, टेल द नंबर ऑफ टर्म्स जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें भी वही है कि टर्म्स कट जाती हैं पर आप गिन तो नहीं सकते हैं, कितनी टर्म्स गिनोगे। ऑड के केस में तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या है, एन प्लस वन बाय टू। ऑल राइट, मतलब अगर मान लो यहाँ थ्री दे रखा होता पावर तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाता, थ्री प्लस वन बाय टू, फोर बाय टू, दैट इज टू, ठीक है। लेकिन इवन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो अगर मान लो आपकी पावर अगर ऐसे है, फोर्थ है आपका एक्स प्लस ए की पावर एन माइनस एक्स माइनस ए की पावर एन, ये अब मैं क्या कह रही हूं कि जो एन है आपका वो इवन है, यहाँ भी एन जो है इधर पॉजिटिव, एन जो है आपका इवन है। ओड के केस में आपका एक ही फॉर्मूला था, ठीक है, लेकिन इवन के केस में माइनस और प्लस का आपका डिफरेंट फॉर्मूला है, ठीक है। देखो प्लस का फॉर्मूला है आपका एन बाय टू प्लस वन, ठीक है, और माइनस का फॉर्मूला है एन बाय टू। ये तीन फॉर्मूले जो है चिपका लो दिमाग में, बिल्कुल आ गया ये समझ आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले ही बताए हैं इसमें मैंने, ये फॉर्मूले भी लिख लो आप। लिखने के बाद और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे यस कर देना, इसकी बेस पे मैंने आगे क्वेश्चन ले रखा है, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके निशा ने लिख दिया, देखो इसी बेस पे क्वेश्चन आगे, ये रहा फटाफट, मैंने ना पोल ले रखा है, एक पोल में आंसर दे देना मुझे। बेटा एक बार रुक जाओ, बस एक बार, 5 मिनट का हो रहा है, एक क्वेश्चन तो करो, आज हमारा थोड़ा थ्योरी में ही ज्यादा टाइम चला गया। ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ना इसके ऊपर है क्वेश्चन, बस एक ये क्वेश्चन कर लो, बाकी आप होमवर्क समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन 5 लिए थे, आपका पहला ही क्वेश्चन हुआ है ये। लगा दिया फॉर, एक ही वोट आया है। गौरव खुशी दुर्गेश बेटा आप कर पा रहे हो क्या ये, गौरव आप कर पा रहे हो ये, यहाँ पे पावर क्या दी हुई है, इवन दी हुई है, 100 पावर दी हुई है, ठीक है। और यस ओके दुर्गेश, पावर क्या दी हुई है आपको, 100, ठीक है, और बीच में साइन कौन सा है आपका, पॉजिटिव। तो इस केस में मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था आपको, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एन बाय टू प्लस वन, तो डायरेक्ट लगा दो 100 बाय टू प्लस वन, दैट इज 51, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखो क्वेश्चंस है, ये वाला कर लोगे आप 101 की पावर 4, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे मैं पूछ रही हूँ आप, अगर मुझे आपको दिक्कत है भाई मैम ये कैसे होगा तो मैं आपको ऑरली बता दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, आप स्क्रीनशॉट ले लो इनके, ठीक है। 101 की पावर 4 बायनोमियल थ्योरम यूज करके एक्सपेंड करना है, कैन यू डू इट, बाकी सारे फटाफट यस कर दो बच्चों। ओके गौरव, यस मैम, बेसिकली इसमें क्या करना है, 101 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 1 की पावर 4, तो ये तो आप सीधी एक्सपेंशन होगी, आप कर लोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आंसर्स पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में आपसे, सॉल्व करके लाना कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, 101 की पावर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक्स क्यूब माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 6, एक्सपेंशन करके लिख दोगे, इसमें तो सिंपल एक्सपेंशन करनी है। ले लिया स्क्रीनशॉट,
ठीक है निशा, गौरव आपने ले लिया, खुशी ओके। देखो अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट है, कहो तो मैं करवाऊं, नहीं तो फिर अगर लेट हो गया हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊं। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करके देखना अगर आप कर पा रहे हो तो। ये यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हमें ये बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ इसमें, 1.1 की पावर 10,000 है ना, इसको ब्रेक करके लिख लो कैसे, 1 + 0.1 की पावर 10,000। ठीक है, अब क्या करना, आप इसकी जब एक्सपेंशन करोगे ना तो सिर्फ 3 टर्म्स लिख के देखना, 3 टर्म्स, बाकी आगे डॉट और डॉट डॉट कर देना। ठीक है, उन 3 टर्म्स का जब आप सम करोगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली 1,000 से 3 टर्म्स का सम ही बड़ा आ जाएगा, और आगे तो हमें इतनी लंबी चौड़ी एडिशन करनी है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1.1 रेस्ट टू द पावर 10,000 जो है 1,000 से बड़ा आएगा। ठीक है, इस तरीके से करके देखना आप इसको। और एक आपका है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मोर देन वन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आपका। स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बता दो, फिर क्लास एंड करते हैं। ओके निशा, गौरव आपने ले लिया, खुशी ओके डन, ठीक है गौरव ओके खुशी, ठीक है ठीक है। देखो आज का यही रखते हैं, सेशन का टाइम भी पूरा हो गया आपका, आप ये क्वेश्चंस ट्राई करना, नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको स्किप मत करना। जितना भी मेन पार्ट है बायनोमियल का, जनरल टर्म, मिडल टर्म और जो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, थोड़ा अपना बेसिक्स क्लियर कर लेना, ये आपका नेक्स्ट क्लास में बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज एंड करते हैं सेशन। निशा थैंक यू बेटा, सारी क्लासेस आपको ऐसे ही मिलेंगी, अप टू डेट बिल्कुल। आप लोग बस रेगुलर रेगुलर रहना और पढ़ना आराम से अपने, और इन केस आपको कोई भी दिक्कत हो आप अपने टीचर से कांटेक्ट करना, यहाँ बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और रही बात नोट्स की, तो विद इन 2-3 डेज हमारे ना ग्रुप्स फाइनल हो जाएंगे कि क्या क्या हमें करना है, तो आपको नोट्स डेली के डेली डीपीपीज भी मिला करेंगी, आई थिंक कल भी। हाँ पूछो निशा, कल भी आपको डीपीपी भिजवा दी जाएगी। ठीक है, तो उनमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग होंगे, और यहाँ पे तो मैं आपको हर टॉपिक का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे का है ना। हाँ निशा पूछो, हाँ हाँ पूछो, फील फ्री टू आस्क। गौरव आप जा सकते हो गया सेशन पूरा।